मत्ती 5 में लिखा है, धन्य है वे जिनकी मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, प्रभु चाहता है आप उसका दर्शन करें, आप उसको देखें क्योंकि वो जिंदा है। बाइबल कहती है मृत को मुझसे जी उठा है, और यदि आप आत्मा में जीवित हो जाएं, आपकी उसके साथ भेंट हो सकती है। ये क्या धन्यवाद है कि आप अपने जीवन के कर्ता से मुलाकात करें। यस, हाँ प्रिय मित्रों, इस संसार में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनका यह अनुभव है कि उन्होंने जीवित यीशु को वाकई जीवित देखा है। हमने सामने उससे बातें की है, आपकी भी प्यास वो तृप्त करना जानता है, और वो चाहता है कि आप उसके पास आए, उसके निकट आए। वो आपके पाप क्षमा करना चाहता है, वो आपको निर्दोष बनाएगा, अपने खून से धोकर आपको पवित्र करेगा। यही परमेश्वर की सर्वाधिक इच्छा है कि एक इंसान पाप और पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से निकलकर एक नई सृष्टि बन जाए, पवित्र बन जाए, निर्दोष बन जाए। तभी केवल वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रख सकता है और आशीषों का लाभ उठा सकता है। यदि आप प्रभु को जान जाए, इससे बड़ी और कोई आशीष नहीं। प्रभु यीशु को जानना जीवन को जानना है, शांति को जानना है, चमत्कारों को जानना है, और वो आपके जीवन में आना चाहता है।